में हमने क्या देखा था, किसको याद है? हाँ, अच्छा, बेसिकली हमने फर्स्ट क्लास में क्या देखा था, सब भूल गए? क्या देखा था फर्स्ट क्लास में? एकदम बेसिक्स देखा था ना, कि बेसिकली इक्वेशंस होता क्या है, याद है? तो आज जो यस देखेंगे यस सर, बेसिकली कि साइमल्टेन, देखे थे ना फर्स्ट क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? तो आज देखेंगे बेसिकली आप कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है? चार पांच तरीका रहता है, तो सब देखेंगे हम लोग, तो एक एक करके देखेंगे। तो आज बेसिकली दो तरीका देखेंगे इसमें से, जो कि एक है एलिमिनेशन बाय कैंसलेशन एंड दूसरा है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये दो पहले देखेंगे, ठीक है? सो आज डेट कितना है? 21 जून, ठीक है? ओके, सो ऑब्जेक्टिव आप देख पा रहे हो। आज क्या देखेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो होते हैं उनके सॉल्यूशन दो मेथड से, जो कि एक पहला वाला है एलिमिनेशन बाय कैंसलेशन, दूसरा है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बात समझ आया? यस सर, ठीक यस सर, है, यस सर। ओके। चलो, तो पहला वाला जो होता है सॉल्विंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा, पहले तो ये बोलो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है, ये मैं लास्ट क्लास में दिखाया था। किसको याद है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है? किसी को याद नहीं है? बोलो, अगर किसी को याद है तो बेटा। मतलब आप लोग रिवाइज नहीं करते हो पढ़ाई, लास्ट क्लास का ही आप, मैंने जो पढ़ाया है वो आप बोल नहीं पा रहे हो, राइट? किसी को याद नहीं है? कोई तो बोल दो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है। तो ठीक है, चलो मैं ही बोल देता हूँ। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बेसिकली होता क्या है कि पर्टिकुलर अगर दो इक्वेशन या दो से ज्यादा इक्वेशन रहे और जो अननोन है, मतलब कि जो वेरिएबल होता है, दो या दो से ज्यादा जो इक्वेशंस रहते हैं उनके लिए एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ही अगर सारे इक्वेशन सॉल्व हो जाए, मतलब मैं अगर आसान भाषा में बोलूं कि दो इक्वेशन या तीन इक्वेशन या चार इक्वेशन रहे, उसको सॉल्व करने के बाद सारे में अगर एक्स का वैल्यू सेम ही आए तो हम बोलेंगे कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। जैसे कि एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, मान लेते हैं कि 2x+5=3, या मान लो 6, ठीक है? तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, एंड x का वैल्यू 1/2। एंड अगर मैं बोलू दूसरा कोई इक्वेशन, ये वन वेरिएबल के लिए है, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल है, देखो सिर्फ x से है। दूसरा कोई इक्वेशन मैं बोलू कि 2x+3=4, तो आप बोलोगे 2x=1 एंड 4-3 जो कि 1 एंड x=1/2। मतलब इसमें भी आपका x का वैल्यू 1/2, इसमें भी आपका x की वैल्यू 1/2, मतलब x का सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए दोनों ही इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, और वो वैल्यू है 1/2, जो कि इसमें भी सॉल्व हो रहा है, इसमें भी सॉल्व हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दो इक्वेशन जो है बेसिकली, ये दो इक्वेशन क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ऐसे ही दो इक्वेशन, ये वन वेरिएबल वाला है, ऐसे भी टू वेरिएबल वाला भी हो सकता है, ये है वन वेरिएबल का। ऐसे ही दो वेरिएबल वाला भी हो सकता है, कि मान लेते हैं कि 2x+3y=5 एंड 3, मान लो 3x+6y=10। तो ये दो अगर हम सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई तरीके से हम कर सकते हैं, अगर ट्राई करेंगे तो ये हम हमारा क्या हो सकता है, टू वेरिएबल वाला, क्योंकि इसमें एक्स भी है, आप देख पा रहे हो, साथ साथ वाई भी है, तो ये टू वेरिएबल वाला है। और पर्टिकुलरली एक्स और वाई का वैल्यू अगर मिल जाएगा ऐसे कि दोनों ही इक्वेशन के लिए एक ही एक्स सॉल्व हो रहा है, एक ही एक्स के लिए सॉल्व हो रहा है, दोनों ही वाई के लिए, दोनों ही इक्वेशन के लिए एक ही वाई सॉल्व हो रहा है, मतलब वाई का सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए दोनों ही इक्वेशन,
एक्स का सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए दोनों ही इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन। बात समझ आ रहा है मेरा? घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है? आपको पढ़ाई करना होगा। लास्ट क्लास में बहुत बेसिक चीज दिखाया था मैंने, बहुत ही बेसिक, मतलब जो कि इतना बेसिक कि उसमें से हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी ना है, इतना बेसिक था। बट आप लोग वही नहीं बोल पा रहे हो कि हाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं सबको बोल रहा हूँ, तो ठीक है। तो ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन था। बेसिकली हमें आसान भाषा में अगर बोले तो बेसिकली क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा इक्वेशन अगर रहे, पर्टिकुलर जो अननोन वैल्यू होता है मतलब जो वेरिएबल, वो सारे इक्वेशन के लिए अगर सेम ही हो जाए अगर, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है। तो पहला वाला हमें देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मेथड्स कितना रहता है। टोटल पांचों मेथड रहता है, ये पांच मेथड है, जिसमें से आज हम देखेंगे एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन एंड एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? और बाकी क्या है, एडिंग द टू इक्वेशन वंस एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर एंड द नेक्स्ट वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड द लास्ट वन ग्राफिकल मेथड। तो ये टोटल पांचों तरीका होता है, तो हम एक एक करके सभी देखेंगे। तो आज आज का जो है, आज का सेशन बेसिकली पहला दो है उसके ऊपर है, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो, तो पहला वाला है एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि कैंसिलेशन, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मतलब इधर क्या करेंगे हम, कैंसिल करेंगे, किसी ना किसी वेरिएबल को कैंसिल करेंगे। और अभी हम देख रहे थे कि हमारे पास जो इक्वेशन था वो टू वेरिएबल वाला था, तो उसमें से मुझे या तो एक्स और या तो वाई, इन दोनों में से किसी एक को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, इसलिए हम बोल रहे हैं एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। बात समझ आ रहा है मेरा? मान लो आप कि आपके पास एक दिया है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? तो इसके लिए मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। तो मैं कैंसिलेशन वाला मेथड इसमें यूज करूंगा। मुझे मतलब आपको क्या देखना है कि आपका जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, एक तो एक्स है दूसरा वाई है, आपको किसी एक को रिमूव करना है, किसी एक को एलिमिनेट करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हो। आप चाहो तो एक्स को कर लो, आप चाहो तो वाई को कर लो, क्योंकि दो ही वेरिएबल। तो मैं ना एक्स का करने का मतलब मैं एक्स को करूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको भी एक्स करना है, ठीक है? तो अगर एक्स को करेंगे तो मान लेते ये वाला इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो मैं क्या करूंगा, x का जो कोएफिशिएंट है ना दोनों ही इक्वेशन में वो सेम कर दूंगा मैं। जैसे कि पहला इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a1 है, दूसरा में x का कोएफिशिएंट a2 है। हाँ, तो पहला वाला जो है इक्वेशन, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दूसरे वाला जो इक्वेशन है उसमें x का जो कोएफिशिएंट है, जो कि दूसरे वाले में x का कोएफिशिएंट a2 है। तो पहला वाला को a2 से और दूसरे इक्वेशन को क्या करूंगा, पहले वाला का जो x का कोएफिशिएंट है, पहला वाला कौन है, पहला वाला नंबर वन है ये, और इसका x का कोएफिशिएंट कितना है a1, तो ये a1 से मल्टीप्लाई। अब ये होने से मतलब मेरा सुविधा क्या हो रहा है ये करने से, देखो। तो अगर पहले वाले को मैं मल्टीप्लाई कर दूं a2 से, देखो x का कोएफिशिएंट a1 a2 बन जाएगा ना, और दूसरे वाले को अगर a1 से करूंगा तो देखो x का कोएफिशिएंट a1 a2 बन जाएगा ना, दोनों का ही सेम आ जा रहा है। और ये करने के बाद अगर इससे इसको माइनस कर दूं तो सेम सेम टर्म होने के नाते x का जो टर्म है ये कैंसल हो जाएगा, और मुझे जो रहेगा सिर्फ x का, x नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा y का टर्म से एक इक्वेशन, और उसको सॉल्व करने से मुझे y मिल जाएगा। एंड देन उसी y को मैं वन एंड टू में से किसी भी एक पे बैठाऊंगा तो मुझे x भी मिल जाएगा। तो ये रहता है आपका बेसिकली ये सॉल्व करने का वे। बट ये मैं इधर नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये इधर करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि a1 a2 b1 b2 ये सब नंबर्स नहीं है जो कि मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, ये एक प्रॉब्लम के तौर पे मैं दिखाऊंगा, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये a1 a2 तो कोई नंबर नहीं है,
a1 a2 का मान लेते हैं, a1 का वैल्यू 2 और a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 2 है, तो इधर 3 into 2 6 लिख सकता हूं, बट इधर मैं नहीं कर सकता हूं वो चीज, तो ये दिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हमें थ्रू प्रॉब्लम समझना है, ठीक है। तो चलो पहला वाला देख लेते हैं कि जो दिया है 2x plus 3y equals to 19, इसको मैं ले लूंगा इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरे वाला 5x plus 4y equals to 37, जो कि आपका है इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या बोला, मुझे कौन सा वाला एलिमिनेट करना है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि मैं एलिमिनेट करने जा रहा हूं x को, तो मैं क्या करूंगा, पहला इक्वेशन को इनटू करूंगा दूसरे इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है। अगर सेम चीज मैं बोलता कि मुझे ना y एलिमिनेट करना है सर, तो मैं पहले वाला इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन का y का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करता, जिसको आप जिसको रिमूव करना चाह रहे हैं उसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट को लेके चलना है, पहला इक्वेशन को दूसरे वाले का जो कोएफिशिएंट है उससे, दूसरे वाले को पहले वाले का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। तो मैं x को करना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जो कि 5 है, मैं लिख दे रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ 5x जो कि 5 होगा, एंड 2 into कोएफिशिएंट ऑफ 2x, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 1 जो कि आपका 2x plus 3y इसके साथ इनटू हो जाएगा आपका 5 equals to 19 into 5 करेंगे तो आपका कितना बनेगा 85, जो कि मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाला हूं। और इधर क्या हो जाएगा, 5x plus 4y इनटू हो जाएगा किससे, 2 से, और ये कितना हो जाएगा 2 into 37, तो मेरा अभी जो इक्वेशन बन जा रहा है 5 into 2 करेंगे तो ये आपका 10x, 5 into 3 करेंगे तो ये आपका 15y, 19 into 5 करेंगे this is your 85, और 2 into 5 करेंगे तो ये आपका 10x, अगर 2 into 4y करेंगे तो ये आपका 8y, और 2 into 37 करने से ये आपका 74। बात समझ आया ये वाला, yes sir। इसको आप चाहो तो अलग अलग नाम दे सकते हो कि ये वाला इक्वेशन 3 एंड ये वाला इक्वेशन 4। नाम मुझे करना क्या है, माइनस, क्यों माइनस करना है, प्लस क्यों नहीं, क्योंकि माइनस करने से ही ना ये वाला माइनस करने से सेम सिंबल का प्लस से माइनस कैंसिल होके ये कैंसिल, तो रहेगा 15 माइनस 8 जो कि 7y, और 85 माइनस 74 जो कि आपका रहेगा इतना हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था सर, y3 और x5 y3, अच्छा आप सॉल्यूशन बोल रहे हो, कोई नहीं वो देख लेंगे, ठीक है 11, अच्छा बट 11 आई थिंक कुछ गलत किया, नहीं ये वाला कुछ एक मिनट, मल्टीप्लिकेशन सही किया ना, 5 into 2 करेंगे तो ये 10 आएगा, 5 into 3, हाँ बेटा बोलो सर, 85 की जगह 95 आना है, हाँ ये वाला 95 आना है, exactly ये वाला 95 आएगा, right, हाँ, तो ये वाला आपका 21 आ जा रहा है, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है इधर से, 21 divided by 7 जो कि आपका 3 आ रहा है, एंड इसी को आप किसी भी एक में बैठा दो, आप चाहो तो 1 में बैठा, 2 में बैठा, 3 में बैठा, 4 में बैठा, जिसमें चाहे बैठा सकते हो, इसमें से आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, तो मैं पहला वाला में बैठाता हूं जो कि आपका 2x plus 3y दिया है equals to 19, so 2x plus 3y equals to 19, तो x का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, y का वैल्यू 3 मालूम है, तो 3 into 3 जो कि 19 है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x का वैल्यू आपका आ जा रहा है कितना, 19 minus 9, तो ये आपका बन जाएगा 10, और 2x का वैल्यू अगर 10 हो रहा है तो मेरा x का वैल्यू हो जा रहा है 5, मतलब ये जो फाइनल आंसर मेरा बन जा रहा था ये x equals to 5 and y equals to 3 आया ना, हाँ यस सर, ठीक आया बात समझ में, यस सर, यस सर, यस सर।
ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक चलो, ये वाला जो है ना, ये वाला मैं वाई को रिमूव करके दिखूंगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाला हमने देख लिया। ठीक है, बात सेम होता है बट हम लोग वाई वाला करेंगे। तो 4x plus 3y equals to 25, जिसको हम लिख देंगे इक्वेशन 1, एंड 5x plus 2y equals to लिख देंगे 26, जिसको करेंगे इक्वेशन 2। अब क्या होगा, 1 into, मैं y को रिमूव करने जा रहा हूँ, तो 1 into दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, मतलब 2y नहीं, 2 से मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट ना, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ भाई, COEFFICIENT, कोएफिशिएंट ऑफ कितना, 2y का, 2y का कोएफिशिएंट 2 आएगा। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है, और ये अगर नेगेटिव में रहेगा ना तो आपको नेगेटिव भी लेना है। मान लो कि इधर 5 माइनस 2 वाई रहता तो आपको लिखना था जो कोएफिशिएंट आएगा वाई का वो माइनस 2 आएगा, प्लस नहीं, आपको सिंबल भी देखना है। ठीक है, बट इसमें आपका माइनस नहीं है तो आप प्लस लिख रहे हो, इसलिए मैं जस्ट 2y लिखा हूँ, बट अगर माइनस रहता तो मैं माइनस 2y लिखता। बात समझ आ रहा है? यस सर। तो ये आपका कितना बनेगा फिर, 1 मतलब ये कौन सा वाला इक्वेशन, 4x plus 3y, इसके साथ टोटल में मल्टीप्लाई कौन जाएगा, 2 जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 के साथ 2, एंड इसमें क्या होगा, 2 इंटू कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, 3y, मतलब 3 आ जा रहा है इधर से, तो ये कितना बनेगा फिर, 3 इंटू कौन, इक्वेशन 2, मतलब 5x प्लस का 2y इक्वल्स टू 3 इंटू 26। बात समझ आया मेरा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, इसको कैलकुलेट, ये पहला वाला था इक्वेशन, मुझे y रिमूव करना था, तो अगर देखो मैं y को अगर कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो y का इधर आ जा रहा है ना 6, और इधर देखो 3 से कर रहा हूँ तो इधर भी 6, तो दोनों सेम आ जा रहा है, तो ये चेक कर लेना है आपको कि हाँ ये मल्टीप्लाई के बाद सेम आ रहा है या नहीं। अगर सेम नहीं आएगा तो ये करने का फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ये सेम ही तो करना है ना, फिर जाके मैं इसको कर सकता हूँ, मतलब रिमूव, अदरवाइज तो रिमूव होएगा ही नहीं। बात समझ आ रहा है? ठीक है, चलो, तो क्या हो जाएगा इसको करने से, 4 × 8x plus 6y equals to हो जाएगा ना 50, और ये वाला कितना आएगा, 15x, और प्लस कितना आएगा, 6y equals to कितना आएगा, 3 × 26, ठीक है। तो इधर देखो ये वाला आप सिंबल चेंज करोगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस ये वाला माइनस 7x, और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला माइनस 28, तो x का वैल्यू आपका माइनस 28 अपॉन 7, मतलब कि सिर्फ 4, नेगेटिव 4 नहीं, क्योंकि बोथ साइड नेगेटिव कैंसिल, तो x का वैल्यू आ गया है। अभी आप इसको किसी भी एक में बैठा दो, तो मैं पहले वाला में बैठा रहा हूँ, क्या है, 4x plus 3y equals to 5, so 4x plus 3y equals to 25, यही था ना, तो x का वैल्यू बैठा दो, 4 into 4 प्लस 3y जो कि 25, तो ये आएगा 3y इक्वल्स टू 25 माइनस 16। हाँ बेटा, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, तो 3y का वैल्यू 9 आ रहा है, y का वैल्यू मेरा 3 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x का वैल्यू सर 4, y का वैल्यू मेरा 3, एंड यही मेरा आंसर आया। समझ में? यस सर।
ठीक है। तो ये तो था बेसिकली आपका पहला वाला एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। ना हम लोग दूसरा वाला मेथड में फॉरवर्ड करें, मूव फॉरवर्ड। सो ये वाला क्या बोल रहा है कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब क्या है सब्स्टिट्यूट करने का? एक की वैल्यू दूसरे में डाल, हाँ मतलब सब्स्टिट्यूट का अगर नॉर्मल मीनिंग बोला जाए तो रिप्लेस करना। मतलब मान लो कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा क्लास करने, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे सब्स्टिट्यूट में कोई और टीचर आ रहा है, मतलब मेरे रिप्लेसमेंट आ रहा है, मेरा मेरे जगह पर कोई और। तो ये भी सेम है, अगर दो वेरिएबल्स होंगे एक्स है वाई का, तो एक्स की जगह पर मैं वाई को बैठाऊंगा या तो वाई की जगह पर एक्स बैठाऊंगा, एक के जगह पर दूसरा बैठाऊंगा, तो ये जाके आ जाएगा आपका एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मान लेते हैं कि आपका जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में रहेगा कि ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। अब एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, मतलब आप किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो, जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हो उसका निकालो, मतलब जिसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि मैं एक्स की जगह पर वाई को बैठाऊंगा या एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मतलब एक्स को हटा दूंगा मैं, किसी एक को तो हटाना है आपको, तो आप पहले वाले से एक्स का वैल्यू निकालो, तो क्या आ जाएगा? मैं निकालूंगा कि माइनस सी वन माइनस बी वन वाई बाई ए वन, ये आपका आ रहा है पहले वाले से एक्स का वैल्यू, पर इसी वैल्यू को जाके आप दूसरे वाले में एक्स की जगह पर बैठा दो, तो आपका दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? ए टू इंटू में क्या आ जाएगा, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो सी वन प्लस बी वन वाई बाई ए वन, ये आ जा रहा है ए टू इंटू एक्स की जगह पर ये बैठाने से, ये टोटल आपका एक्स है, टोटल आपका एक्स है, प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू आपका सी टू। तो आपका ये जो इक्वेशन आ जा रहा है ये टोटल आपका सिर्फ वाई से आ रहा है ना, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ वाई है, तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको y इजीली मिल जाएगा, एंड देन y मिल जाएगा तो उसको आप इसमें बैठा दो तो आपको x भी मिल जाएगा। यही होता है आपका एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक इसको भी एक प्रॉब्लम के थ्रू ही समझेंगे। पहला वाला दिया है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 32 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 1। तो देख पा रहे हो आप इसमें मुझे करना क्या है, किसी एक को रिमूव करना है और पहले किसी एक को जिसको रिमूव करना चाह रहा है उसका वैल्यू निकालेंगे किसी एक इक्वेशन से, आप चाहे वन से लो और टू से लो आपके पास। तो मैं पहले वाले से एक्स को ही निकालता हूँ, तो फोर एक्स का वैल्यू मेरा आ रहा है 32 प्लस 3y, एक्स का वैल्यू मेरा आ रहा है 32 प्लस 3y बाई 4। आया बात समझ में कि एक्स का वैल्यू ये आ रहा है, इसको आप कर दो इक्वेशन थ्री। देन क्या करेंगे, मैंने क्या बोला इसके बाद कि आप जो वैल्यू निकाल रहे हो जिसका, उसको जाके सेकेंड इक्वेशन में बैठा दो, या अगर सेकेंड से निकाल रहे हो तो आप जाके फर्स्ट में बैठा दो। तो मैं पहले वाला से निकाला हूँ एक्स का वैल्यू, तो अभी मेरा बचा कौन है सेकेंड इक्वेशन, तो इसमें जाके एक्स का वैल्यू बैठाना है। तो एक्चुअल इक्वेशन था क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन था, है ना। एक्स का वैल्यू क्या है 32 प्लस 3y बाई 4, तो आप इसको बैठाओगे 32 प्लस 3y बाई 4 प्लस y इक्वल्स टू 1, और अगर इसको करेंगे तो 4 नीचे, तो देखो 4 4 कैंसिल, एलसीएम करने जा रहे हैं तो आपका 32 प्लस 3y ही बनेगा, और इधर बन रहा है आपका 4y इक्वल्स टू 1, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंटू दिस 4 इंटू 1, तो ये 4 बनेगा, 32 प्लस 3y प्लस 4y आपका बन जा रहा है 7y, जो कि इक्वल्स टू 4 हो रहा है। एंड 7y का वैल्यू कितना बनेगा, 4 माइनस 32, हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, तो कितना आएगा इधर से, माइनस 3 y का वैल्यू आपका 7y का आ रहा है माइनस 28, तो y का वैल्यू आ रहा है ना माइनस का माइनस 4। इसी को मैं बैठाऊंगा कहाँ, इक्वेशन नंबर 3 में, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3
क्या मिल रहा है भाई, y का वैल्यू बैठा दो, क्योंकि x का वैल्यू कितना आया है इसमें, 32 + 3y, 32 + 3y बाई 4, तो y का वैल्यू बैठाऊंगा कितना, -4/4। तो देखो ये 32 था, तो 32 ± -12/4, और 32 से 12 जाएगा तो ये 20/4 जो कि आपका 5 आ रहा है। मतलब x का वैल्यू मेरा 5, y का वैल्यू मेरा -4, एंड दिस इज द आंसर। आया बात समझ में? यस सर। यस सर। तो चलो दूसरा वाला आप लोग निकाल सकते हैं बेटा। हाँ बेटा, हम सेकंड इक्वेशन से नहीं निकाल सकते थे, किसी भी इक्वेशन में निकालो, बट मैं क्यों इसमें बैठ रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी एक्स के टर्म पे निकला हुआ है, मुझको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आप इधर सेकंड में भी बैठा होगे तो आ जाएगा, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, आप इसमें भी बैठा सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, इजीली हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट दिख ही रहा है मुझे, इससे भी आप बना सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बनाओ इसी मेथड से, और मुझे आंसर बोलो कि हाँ क्या आ रहा है, धीरे धीरे बनाओ एंड देन बोलो। सर एक बार पीछे वाला प्रॉब्लम दिखाओगे? सर क्वेश्चन दिखाना है, एक मिनट। सर x²/-3। और किसी का कुछ आ रहा है? ऑलरेडी एक ने आंसर मेंशन कर दिया है। सर x0 और y6, ये लग तो नहीं रहा है, नहीं ये तो लग नहीं रहा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फिर से चेक करो। x2 और y-3 आएगा, ठीक है ठीक है, चलो इसको देखते हैं। सर x2 और y-3। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है कि वही होगा, तो नॉर्मली कैसे बनाएंगे इसको, वही वाला सेम। अब इसको ना y से करेंगे, मैं y को निकालेंगे इसमें पहले, तो इधर क्या आ जाएगा, -2y = 12 - 3x, और -2y = ये आ रहा है, तो y का वैल्यू आएगा 12 - 3x / -2, एंड पहला वाला इक्वेशन से तो आ गया, दूसरा इक्वेशन क्या था, 6x + y = 9, एंड इसमें y का वैल्यू बैठा हो गया आप, तो 6x ये वाला माइनस से आएगा क्योंकि इधर माइनस है, एंड 12 - 3x / 2 = 9,
बात समझ आया आपको? यस सर। डिवाइड करोगे तो 6y माइनस करोगे इसको तो ये वाला डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12/2 6 माइनस 3/2 x जो कि आपका 9 हो जा रहा है। एंड इसको अगर एलसीएम करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। अच्छा एक बार में एलसीएम नहीं, पहले ब्रेक कर लेते हैं, माइनस और ये प्लस आएगा 3/2 x जो कि आपका 9 बन रहा है। सो 6x प्लस हाँ बेटा, नहीं बेटा ये वाला तो माइनस माइनस के लिए तो इधर माइनस दिया ना मैंने, इधर प्लस था देखो, यही माइनस के लिए ये वाला माइनस कर दिया मैंने, प्लस माइनस माइनस राइट। ओके सर। तो ये आपका 9 + 6 बन जा रहा है 15, तो आपका कितना बन रहा है इधर से 2 और इधर आपका 12 + 3 x 12x + 3 x इक्वल्स टू आपका 15, तो आपका कितना बन जा रहा है 15x इक्वल्स टू 15 इनटू 2 बन जा रहा है, तो x आपका 2 आ रहा है, यही आया था ना इधर। हाँ एंड इसको जाके बैठा दो आप किसी एक में, मैं 6x + y में बैठा दे रहा हूँ, 6x + y इक्वल्स टू कितना था बेटा 9 था, तो x का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो y इक्वल्स टू 9 - 6x तो ये 9 - 6 इंटू 2 बन जाएगा, तो 9 - 12 बनेगा तो -3। सो आप जो बोल रहे थे y इक्वल्स टू -3 x इक्वल्स टू 2 उनका आंसर एग्जैक्टली राइट है। आया बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है चलो इसके बाद क्विज है, क्योंकि आज का दो ही बेसिकली रखना था, तो ये वाला आप सॉल्व करके दिखाओ। ये वाला बेसिकली इक्वेशन का तो है नहीं, ये बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ए रेशियो बी दिया है, ए प्लस बी दिया है, तो बी का वैल्यू कितना आएगा। किसी को अगर मिल गया है तो बेटा आप आंसर बोल सकते हैं। सर 6। ठीक चलो करके देखते हैं। अब ए रेशियो बी दिया है तो मैं बोल सकता हूं ना कि ए रेशियो बी अगर 7:3 है तो मैं ए को ले सकता हूँ 7x, बी को ले सकता हूँ 3x भाई, हाँ या ना। और इसमें बोल दिया गया है ना कि a प्लस बी आपका 20 है, तो a प्लस बी करने से इधर क्या आ जाएगा 7x + 3x = 20, तो मेरा 10x तो इधर से 20 आ रहा है, x का वैल्यू 2 आ जा रहा है, तो मुझे निकालना था b का वैल्यू जो कि 6x था, मतलब 3x था, तो b हो जाएगा ना 3 × 2 जो कि 6, मतलब 6 इज द राइट आंसर, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन आप बनाओ, आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्विज बेसिकली आपको ही बनाना है, मैं तो बस आंसर चेक करूंगा, तो पहले बनाओ एंड बोलो।
सर जीरो। अच्छा और कोई? सर जीरो। सर जीरो। अच्छा और कोई? सर दो। देखो ऑप्शन तो दो है बेटा, दो तो है ही नहीं आपके ऑप्शन में, जीरो है और डजंट एग्जिस्ट है, इन दोनों में से कोई आएगा। हाँ तो समथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या आता है? डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते हो भाई। तो चलो इसको दिखाते हैं कैसे करेंगे। आप इधर क्या देख रहे हो, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई का वैल्यू दिया है k और 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई का वैल्यू दिया है k। तो इन दोनों का अगर प्लस कर दूं मैं तो क्या आ जाएगा, ये वाला कैंसिल क्योंकि इसमें दोनों में प्लस माइनस था, और इन दोनों को ऐड करने से ये 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स बन जाएगा मेरा k प्लस k बन जाएगा 2k। बात समझ आया? Yes, तो ये 2 yes, बाई एक्स का वैल्यू आ जा रहा है 2k। हाँ या ना बोलो? और मुझे y निकालना था। अच्छा मुझे y निकालना था, ठीक है कोई नहीं, x निकालने के बाद भी निकाल सकते हैं। तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 1 बाई k, और यही वैल्यू को आप किसी भी एक में बैठा दो तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल्स टू k है, x का वैल्यू 1 बाई के है तो 1 बाई इधर 1 बाई के कर देंगे माइनस 1 बाई y इक्वल्स टू k। तो ये k माइनस 1 बाई y इक्वल्स टू k, तो ये इधर से माइनस 1 बाई y इक्वल्स टू k माइनस k जो कि 0, तो 1 बाई y इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू 1 बाई 0, और ये आपका क्या आएगा, कोई भी नंबर को आप किससे डिवाइड नहीं कर सकते हो, 0। Yes, sir. Any number is not divisible by zero. So, कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा इस केस के लिए, does not exist, मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। आया बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलना है कि कोई भी नंबर, कोई भी, आप जीरो को भी जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो, और जीरो बाय जीरो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये तो अलग ही है, ये तो हो ही नहीं पाएगा कहीं, पर अगर कोई भी टर्म 1 बाय 0, 2 बाय 0, माइनस 5 बाय 0, किसी भी टर्म के नीचे अगर जीरो आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है मैथमेटिक्स में, बट जीरो ऊपर रहेगा और नीचे कोई भी टर्म रहेगा 1, 2, 3, 4 कोई भी तो चलेगा, बट नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो बाय जीरो तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, और समथिंग बाय जीरो भी नहीं हो पाएगा, नीचे जीरो नहीं आ पाएगा, बात खत्म। यस सर। ठीक है, तो जीरो बाय ये मान लो, हाँ ये जीरो आ जाएगा, जीरो ऊपर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। यस सर। यस सर। यस सर।